हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गेट एंड ईएससी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंटेन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बाय यूजिंग बीजेटी। आपने मल्टी वाइब्रेटर बाय यूजिंग ऑपएम्प, मल्टी वाइब्रेटर बाय यूजिंग 555 टाइमर के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन नॉर्मली हम इस सर्किट के बारे में बहुत कम पढ़ते हैं, मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बाय यूजिंग बीजेटी। बट दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट इज द मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, व्हाट आर द अनदर नेम ऑफ दिस मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, और साथ में हम लोग इस सर्किट के बारे में बात करेंगे। दैट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर्किट दैट इज नोन एज मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बाय यूजिंग बीजेटी। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए इस सर्किट को अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए अच्छे से। ओके, तो सबसे ईजी क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सर्किट, और दूसरा पूछा जाएगा व्हाट इज द पल्स विड्थ, तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द रोल ऑफ दिस कैपेसिटर एंड व्हाट इज द रोल ऑफ दिस कैपेसिटर, और भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इसमें से टाइमिंग कैपेसिटर कौन सा है। तो चलिए इस वीडियो के अंत तक आपको ये सभी बातें पता चल जाएंगी, और अगर आपको मालूम है तो जरा कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स तो दीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट मी, मायसेल्फ संजय राठी, आई हैव क्वालिफाइड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम 3 times, आई एम हैविंग 18 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस and I have mentored more than 1 lakh students for these exams. अगर आप मेरे experience का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो बहुत ही simple strategy follow कीजिए, basic concept, then questions from the standard textbook, then previous year questions, right? अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कभी भी किसी भी exam में top नहीं कर सकते, right? Qualify कर जाएंगे वो अलग बात है, okay? तो आज से इस strategy को follow कीजिए, जब आप पढ़ेंगे तो doubts आएंगे, simple है, more study more confusion. हम आप लोगों के लिए लाएंगे डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस। अगर आप चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को आज ही ज्वाइन कीजिए, दैट इज द 9899400096, बस इतना लिखिए आई एम इंटरेस्टेड, राइट? तो सभी डाउट्स वहां क्लियर होते हैं बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से, ओके? और आप पूछेंगे सर आप कहाँ हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं हूं ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी, और मैं अकेला भी नहीं हूं, मेरे साथ साथ इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टीज अब इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। हमारी एंथम आपने सुनी होगी, लेट्स क्रैक इट, ये आप लोगों को मोटिवेट करती है कि बड़े सपने देखिए, आईआईटी में जाइए, राइट, आईएससी में जाइए, गेट में टॉप कीजिए, ओके, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में टॉप कीजिए, क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर बनिए। याद रखिएगा, छोटा सोचना पाप है, ठीक है? तो बड़ा सोचिए, हम आपकी मदद करेंगे कि कैसे इन सपनों को पूरा किया जाए, टिप्स देंगे, ट्रिक्स देंगे, क्विजेज होंगे, मेगा क्विजेज होंगे, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक रेगुलर कोर्स फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज गेट एंड पीएसयू 2021, 22 एंड 23, 1 ईयर प्रोग्राम, 2 ईयर प्रोग्राम, 3 ईयर प्रोग्राम्स, ड्रॉपर्स, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, 3rd ईयर स्टूडेंट्स, 2nd ईयर स्टूडेंट, 1st ईयर स्टूडेंट्स, आज से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। स्मार्ट वर्क करना है ना कि हार्ड वर्क। आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं फॉर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, दैट इज माई कोड SR10। ये मेयरली एक कोड नहीं है कि आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, वो तो मिलेगा ही, मैं आप लोगों को दूंगा एक पर्सनल गाइडेंस ताकि आप इन एग्जाम्स में टॉप कर सके। मुझे अगर समझना है तो ये यूट्यूब में मेरे लेक्चर्स देखिए, नेटवर्क, EDC, एनालॉग, डिजिटल, माइक्रोप्रोसेसर, कंट्रोल एंड वेरियस सब्जेक्ट्स, आपको समझ में आएगा मेरे पढ़ाने की स्टाइल क्या है। कॉन्सेप्ट बनाना है, रटना नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ध्यान रखिएगा, एक मल्टी वाइब्रेटर जो है ना, विच कैन वाइब्रेट एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, नॉर्मली इट वाइब्रेट बिटवीन 2 लेवल्स, लो लेवल एंड व्हाट, हाई लेवल, दैट इज द लो लेवल एंड हाई लेवल। तीसरी बात ध्यान रखिएगा कि व्हाट इज बायस्टेबल, मोनोस्टेबल एंड अस्टेबल। तो आज हम बात कर रहे हैं मोनोस्टेबल की। सपोज ये लो लेवल पे है, 0 से अगर हमें 1 ले जाना है तो हमें ट्रिगर देना होगा, और अगर 1 से 0 ले जाना है तो नो ट्रिगर। इसका मतलब ये स्टेबल है, जो 0 स्टेट है वो स्टेबल है, लेकिन जो 1 है ना वो हम बोलेंगे अनस्टेबल है। नो, इट इज नॉट अनस्टेबल, इट इज कॉल्ड क्वासी स्टेबल, इट इज कॉल्ड क्वासी स्टेबल स्टेट। देखिए, ऑटोमेटिकली 1 से 0 जा रहा है इसलिए अनस्टेबल है, लेकिन कितनी देर तक 1 रहेगा ये हम डिसाइड करेंगे। जैसे ही आपने ट्रिगर दिया, 0 से 1 हुआ और थोड़ी देर बाद अपने आप नीचे आ गया,
लेकिन कितनी देर बाद नीचे आना है ये हम डिसाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्किट्स कंपोनेंट्स एंड टीपी इज कॉल्ड पल्स विड्थ, और उस हिसाब से ना तो ये पूरी तरीके से स्टेबल है ना अनस्टेबल, एंड दैट्स व्हाट इज कॉल्ड क्वासी स्टेबल। आज हम लोग बात करने वाले हैं मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बाय यूजिंग बीजेटी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वन शॉट यूनि वाइब्रेटर, याद रखिएगा वन शॉट एंड यूनि वाइब्रेटर। तो चलिए देखिए आपके सामने एक सर्किट दिख रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सर्किट मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। दूसरा यहां पर जो टाइमिंग एलिमेंट है ना, ये आपके पास टाइमिंग एलिमेंट है, ये वाला सी और ये वाला आर, दीज आर कॉल्ड टाइमिंग एलिमेंट्स राइट। और जब हम इससे इसकी मदद से जब हम लोग मोनोस्टेबल बना रहे हैं तो हमारे पास जो पल्स विड्थ आएगी टीपी, याद रखिएगा टीपी 0.69 RC, दैट इज द आंसर 0.69 RC, और हम बोल सकते हैं RC log of 2। आप log 2 निकालेंगे तो log 2 आपका आएगा 0.693, ये आंसर है। दिस इज कॉल्ड पल्स विड्थ, दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीसरा जो क्वेश्चन है याद रखिए, जो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस कम्यूटेटिंग कैपेसिटर और स्पीड अप कैपेसिटर राइट। ये जो आपको कैपेसिटर दिख रहा है ये है स्पीड अप कैपेसिटर, इसका टाइमिंग से कोई लेना देना नहीं है, इस टाइमिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर ये यहां क्या कर रहा है, ये सर्किट की स्पीड को बढ़ा रहा है राइट, सर्किट की स्पीड को बढ़ा रहा है ताकि बहुत फास्ट ट्रांजिशन हो। दीज कैपेसिटर्स आर कॉल्ड कम्यूटेटिंग कैपेसिटर स्पीड अप कैपेसिटर, तो ये कम्यूटेटिंग एंड स्पीड अप कैपेसिटर राइट। तो ये आपके सामने जो सर्किट है ओके, अब व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर सर्किट, इट इज यूज्ड एज डिले एलिमेंट, ध्यान रखिएगा इट इज यूज्ड एज डिले एलिमेंट, और डिले का हम लोग यूज करते हैं फॉर सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन फास्ट पेरिफेरल डिवाइस एंड स्लो पेरिफेरल डिवाइस, डिले एलिमेंट। तो आपसे पूछा जाएगा फॉर सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन फास्ट पेरिफेरल डिवाइस एंड स्लो पेरिफेरल डिवाइस विच मल्टी वाइब्रेटर इज यूज, नाम याद रखिए मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बिकॉज इट इज यूज एज डिले एलिमेंट, ये डिले प्रोवाइड करता है ठीक है। इसके बारे में अगर और ज्यादा जानना चाहते हो तो फिर रेगुलर कोर्स ज्वाइन कीजिए जहां पर हम लोग पूरी चीजों का डेरिवेशन करते हैं, ये आता है इसका डेरिवेशन RC log 2 कैसे आया क्या क्या रोल है एंड सो ऑन ओके। हम अभी पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। दूसरा इट इज यूज एज पल्स स्ट्रेचर सर्किट, पल्स स्ट्रेचर सर्किट मतलब अगर आपने ऐसी पल्स दी है तो ये इसे स्ट्रेच कर देगा यहां तक, ये टीपी तक। देखिए इसकी पल्स विड्थ कम दिख रही है और उसकी पल्स विड्थ ज्यादा दिख रही है, तो पल्स को स्ट्रेच कर देता है। तो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं क्योंकि ये पल्स को स्ट्रेच कर रहा है राइट। देन आपको नाम याद रखना है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वन शॉट एंड वॉट यूनि वाइब्रेटर। तो होप सो आपको काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी अबाउट मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बाय यूजिंग BJT ओके। यह है सर्किट, इसे बहुत अच्छे से अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए, ये डायरेक्ट आपसे सर्किट पूछा जाएगा, एलिमेंट के बारे में पूछा जाएगा, पल्स विड्थ के बारे में पूछा जाएगा इसरो DRDO गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड अदर टेक्निकल एग्जाम्स में। तो चलिए देखते हैं हम लोग, आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं SR10 फॉर 10% डिस्काउंट, उससे भी बड़ी बात फॉर माई पर्सनल गाइडेंस आज ही सब्सक्राइब कीजिए, 1 ईयर का प्रोग्राम लीजिए तो फीस हो जाएगी ओनली 22,500। अगर आप 2 ईयर्स का प्रोग्राम लेते हैं तो विद माई कोड आपको 10% डिस्काउंट के साथ फीस हो जाएगी 27,000। EMI ऑप्शंस अवेलेबल हैं HDFC डेबिट कार्ड पर एंड अदर क्रेडिट कार्ड्स पर, तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए और अपने सपने पूरे कीजिए विद दिस कोड ओके। फॉर एनी डिटेल आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए मेरे नंबर पर। Then thank you for watching. Good day and good luck. Thank you.